अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ अली। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y50 के बारे में। अब यहाँ पर इसकी तमाम जो कन्फर्मेशन है वो सामने आ चुकी है। हमने दो दिन पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन वहाँ पर हमने जो है लीक्स और रोमर के अकॉर्डिंग बात की है, और वहाँ पर बताया गया था कि 48 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये जो स्मार्टफोन है हमें 48 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं प्रोवाइड करने वाला, तो एक तरह से सही है यार, क्योंकि अगर देखा जाए तो आजकल जो ज़्यादातर स्मार्टफोन है वो कैमराज पर ही खेल रहे हैं, यानी कि पिक्सल ही खाली बढ़ा दिए जाते हैं, बाकी क्वालिटी जो है वही 12 मेगापिक्सल वाली दी जाती है। तो यहाँ पर कुछ और भी अपडेट वगैरह सामने निकल कर आए हैं इस स्मार्टफोन को लेकर, बात करेंगे इस वीडियो में, और इसकी जो है लॉन्च डेट भी सामने आ चुकी है जो बात करेंगे इस वीडियो में, और प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तानी मार्केट में आखिर कितनी प्राइस के साथ में आने वाला है। तमाम की तमाम जो डिटेल है वो देने वाला हूँ इस वीडियो में। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। लेकिन यार उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल टेक्निकल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम जो हैं आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देते रहते हैं, और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए यार वीडियो शुरू कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लेते हैं इस स्मार्टफोन के जो डिज़ाइन है बिल्डन की। तो बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, साथ में एलईडी फ्लैश, और यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी रेयर की साइड दिया गया है। डिज़ाइन काफ़ी यूनिक दिया गया है, यहाँ पर ग्रेडियंट फिनिश के साथ में आने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमें जो है प्लास्टिक की ही बॉडी देखने को मिलेगी जो कि पॉलीकार्बोनेटेड बॉडी रहने वाली है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ फ्रंट को तो पंच होल डिस्प्ले तो आने वाला है जो कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले आने वाला है। यहाँ पर हमें जो है 6.53 इंचेस वाला एक IPS LCD वाला पैनल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि फुल HD प्लस वाला जो डिस्प्ले है वो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि 1080 पिक्सल्स के जो है हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर जो बेजल्स हैं काफ़ी कम दिए गए हैं, लेकिन अगर चिन को देखता हूँ तो यहाँ पर एवरेज रखी गई है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इस स्मार्टफोन के जो वेरियंट है, तो यहाँ पर यह जो है हमें 8GB के साथ 128GB वाला जो है वेरियंट प्रोवाइड करने वाला है, जिसके साथ माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पर हमें जो है ओक्टा कोर का CPU देखने को मिल जाता है, जहाँ पर इसमें क्वालकॉम की चिपसेट दी जाएगी जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 की दी जाएगी, जो कि एक एवरेज चिपसेट है। हाँ, यहाँ पर हमें कुछ बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कैमराज की, तो यहाँ पर यह जो स्मार्टफोन है हमें बैक में क्वाड कैमरा सेटअप देता है, जहाँ पर 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया जाएगा f1.8 परचे के साथ में आने वाला है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया जाएगा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया जाएगा, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी दिया जाएगा। फ्रंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमें जो है 16 मेगापिक्सल का एक इन डिस्प्ले कैमरा जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि सेल्फी के तौर पर काम करने वाला है। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ इसके OS और UI की, तो एंड्रॉयड 10 का अपडेट आने वाला है, जहाँ पर हमें जो है इसमें UI जो है फन टच OS 10 ही देखने को मिलेगा, जो कि लेटेस्ट UI है वीवो की जानब से। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ बैटरी कैपेसिटी के हवाले से, तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जो कि ये स्मार्टफोन 18W तक की फास्ट चार्जिंग को जो है सपोर्ट करता है। और यहाँ पर हमें जो है Type-C की कनेक्टिविटी दी जाएगी, साथ में 3.5mm ऑडियो जैक भी दिया जाएगा और डेडिकेटेड स्लॉट दिया जाएगा। तो ये थे कुछ स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन को लेकर, यहाँ पर यह चीज़ कन्फर्म हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इस स्मार्टफोन के जो है प्राइसिंग को पाकिस्तानी मार्केट के मुताबिक, तो एक्सपेक्टेड है कि 30,000 से 35,000 रुपये की प्राइस के राउंड अबाउट में रखा जाएगा इस स्मार्टफोन को। अगर 30 की प्राइस में आता है तो मैं कहता हूँ बहुत ही ज़्यादा कमाल का जो स्मार्टफोन है वो होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो यह जो स्मार्टफोन है लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही वीवो की जानब से जो है लॉन्च किया जाएगा, और यहाँ पर जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि यह जो स्मार्टफोन है नेक्स्ट मंथ यानी कि मई के महीने में कन्फर्म आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर इतना ही था कुछ इस वीडियो में। आप लोगों की क्या राय है कि यह जो स्मार्टफोन है कितनी प्राइस में आने चाहिए? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि हम जो है आपके लिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।